हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी है और इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं भिंडी दो प्याज़ा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है जिन्हें वॉश करने के बाद में अच्छे से ड्राई कर लिया है और उसके बाद हम इन भिंडियों को कट करेंगे और इनको ड्राई अप ज़रूर कीजिएगा वरना तो भिंडी सोगी हो जाती है। और इस भिंडी के दोनों एजेस हमने इस तरीके से कट करके अलग कर दिए हैं। तो अब हम भिंडी को 2 या 3 पार्ट्स में कट करेंगे, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि जब भिंडी बन जाती है तो उसके बाद हम इसको जब मिक्स करते हैं तो ये टूटकर बिखरने लगती है और अपनी जो शेप है उसको रिटेन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और आप इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के अराउंड रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की अनियंस ली हैं और इसको कट करने के बाद में इनकी लेयर्स अलग कर ली हैं। तो अब ये जो अनियन बल्ब्स हमारे हमने रेडी किए हैं इनको इस ऑयल में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए ही हल्का सा स्टोर फ्राई करेंगे। ऐसा करने से जब हम इस अनियन को इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ी में बाद में अपनी, तो इससे जो सब्ज़ी का जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है और जो अनियन का कच्चापन है वो भी निकल जाता है। इसी तरीके से 1 मिनट के लिए हम भिंडियों को भी फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम भिंडियों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे और ऐसा करने से जो सब्ज़ी का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सब्ज़ी का नाम है भिंडी दो प्याज़ा है, तो इस सब्ज़ी में प्याज का इस्तेमाल हमने थोड़ा ज़्यादा किया है। तो भिंडी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो भिंडी तो हमने निकाल ली है फ्राई करके, अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको गर्म करेंगे। और अब ये गर्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बिग साइज़ की अनियन ली है जिसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है, तो इसको हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी हमने फ्राई करना है। तो इसका हमें ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं चाहिए। अब इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद में यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको लंबाई में कट कर लिया है, इसको भी अब ऐड कर देंगे हम प्याज के अंदर। तो लहसुन से भी इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि लाल मिर्च पाउडर की जगह चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं जिसको इस कढ़ाई में डाल दिया है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 2 रफली चॉप किए हुए टोमेटोज़। तो यहाँ पर मैं रफली चॉप किए हुए टोमेटोज़ का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में, तो इनको मैंने डाल दिया है। इनको भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम पकाएँगे। तो अब इसमें हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, आप इसको हसबे जायका भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। तो इन सबको डालने के बाद में अच्छे से भून लेना है हमें ताकि इनकी मसालों की जो रॉ स्मेल होती है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अब ली हैं 3 से 4 ग्रीन चिलीज, इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, इनको भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं कोई भी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ बल्कि इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल किया है जिससे जो ये सब्ज़ी का तीखापन है वो बहुत अच्छा आएगा। और अब जो हमने भिंडी और प्याज को फ्राई करके रखा था इसको भी इस मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो फ्राइड की हुई भिंडी थी हमने इसमें मिला दी है मसाले में और अच्छे से इन्हें मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो भिंडियों के ऊपर अच्छा सा कोट हो जाए। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि भिंडी हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो क्योंकि हमने भिंडी को पहले से फ्राई भी कर लिया था इसलिए इसका जो भिंडी का पकने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और ये भिंडी हमारी जल्दी ही पककर तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम इस भिंडी को पकने में नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है जिसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है और उसके सीड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको हम भिंडी में डाल देंगे और डालने के बाद में मिक्स कर लेंगे। और भिंडी में इन्हें तब डालना है टमाटर को जब हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस तरीके से स्लाइस में मैंने टमाटर को कट करके इसलिए डाला है, एक तो सब्ज़ी का जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, दूसरा सब्ज़ी देखने में भी बहुत कलरफुल सी हो जाती है। और अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये लाजवाब सी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी। और इसको आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप इसको लंच में भी इस तरीके से भिंडी को तैयार करके ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, जितनी सिंपल इसकी रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा खाने में ये लाजवाब है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।